हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी फेवरेट मिल्क टी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी इम्यूनिटी को तो डेफिनेटली बढ़ाने वाली है। और अभी जो एट प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, तो आप अगर काढ़ा पीना नहीं चाहते, कोई कड़वा चीज़ नहीं खाना चाहते इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो आप इस टेस्टी एंड इजी रेसिपी से भी अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज कर सकते हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है, प्लस आपकी इम्यूनिटी तो डेफिनेटली बढ़ाती है। तो चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। इम्यूनिटी बूस्टर मिल्क टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 4 काली मिर्च, ये है 2 लौंग, 1 इलायची मैंने ली है, ये हरी इलायची है। ये मैंने दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है और ये अदरक है। अदरक को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और ये सारा जो क्वांटिटी है ये मैंने 1 कप टी बनाने के लिए ली है। आप अगर ज़्यादा कप टी बना रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इस क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हैं। 1 कप चाय बनाने के लिए मैंने पानी भी 1 कप ही लिया है, बिकॉज इसको मैं पानी में थोड़ी देर इन्फ्यूज़ होने दूंगी। इन्फ्यूज़न में पानी जब आधा हो जाएगा तब मैं इसमें चाय पत्ती ऐड करने वाली हूँ। तो चलिए टी बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसमें 1 कप जो पानी मैंने लिया था वो मैं ऐड कर दूंगी। इन सभी चीज़ों को अगर आप इस तरीके से डालेंगे तो इन्फ्यूज़ होने में काफ़ी टाइम लेगा, तो हम इसे सबसे पहले एक मूसल यूज़ करके पीस लेते हैं। मुसल में पीसने के बाद ये कुछ इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। अब हमारा पानी भी थोड़ा सा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसे पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब हमें गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखना है और हम ये देखेंगे कि ये अच्छी तरह से सारी चीज़ें पानी के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएं। उसके बाद हम इसमें चाय पत्ती ऐड करेंगे। आफ्टर 1 मिनट ये आप देखेंगे जैसे कि नॉर्मली ये अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ होने लगी है। इलायची, अदरक वगैरह इसमें मैं जनरली इसमें तुलसी की पत्तियाँ भी डालती हूँ, बट ये चाय मैं अभी शाम को बना रही हूँ तो मैंने तुलसी नहीं तोड़ी है। अगर आप ये मॉर्निंग में बनाएं तो आप प्लीज़ इसमें तुलसी ऐड करना ना भूलें। 2 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसमें चाय पत्ती ऐड कर दूँगी। ये जो टी मैं बना रही हूँ बेसिकली मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये उन लोगों के लिए भी अच्छी है जिन्हें प्रॉपर जो काढ़े होते हैं वो पीना अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है या टेस्ट की वजह से वो लोग नहीं पी पाते हैं। तो वो इस तरह से चाय बना के अपनी डेली रूटीन में इस तरह के टी को ऐड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 मिनट हो गए हैं चाय पत्ती डाले हुए मुझे। अब मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दूंगी। मिल्क आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, और अगर आप मिल्क ऐड नहीं भी करना चाहते हैं तो आप इसे स्टेन करके इसमें लेमन डाल के भी पी सकते हैं। अदरक, लौंग, काली मिर्च आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छी ही है, साथ में हम जो दालचीनी इसमें ऐड कर रहे हैं वो आपके वेट को भी प्रिवेंट करती है, एक्स्ट्रा वेट गेनिंग से आपको बचाती है। तो ये हमारी इम्यूनिटी बूस्टर टी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे स्टेन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ लिया है 1 कप चाय के अकॉर्डिंग, बिकॉज मैं शुगर अवॉइड करती हूँ। अगर आप इसमें शुगर डालना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसमें शुगर डाल के भी इसे पी सकते हैं। आप इसमें गुड़ ऐड करते हैं तो एक तो वो आपको अननेसेसरी शुगर लेने से भी बचाता है, प्लस गुड़ भी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है गाइस, तो आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। गुड़ से चाय का टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इवन अगर आप इसे एक बार पीने लग जाएंगे तो डेफिनेटली ये डेली लाइफ में आपके इंक्लूड हो जाएगा। तो ये थी मेरी रेसिपी इम्यूनिटी बूस्टिंग और बहुत ज़्यादा टेस्टी टी बनाने की। अगर आप इस टी को बनाते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।